तो गाइस बहुत दिमाग खराब करते हैं यार ये लोग, और इतने बुरे हैं ये लोग, बहुत बुरे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पे घूमने के लिए, और बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ क्योंकि हमने अपने खेतों पे धान लगाए, उनको देखूँगा कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। आई होप आप लोग मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। चल तो चलते हैं खेत पर घूमने के लिए। तो हे गाइस, ये मेरा खेत है। मेरे खेत पे जो है नीम के पेड़ हैं, और एक ये पॉपुलर के पेड़ ला रखे हैं। तो गाइस, एक नीम का पेड़ ये रिया, और इधर ये उसका है शीशम का पेड़ लगा रखा है एक। और गाइस, ये नीम का देखो नुकसान कर दिया, तोड़ दिया ये। और ये भी एक नीम का पेड़ लगा रखा है। ये सदा सुहागन का पेड़ लगा रखा है एक, यह का सदा सुहागन का पेड़ है। और ये पॉपुलर का पेड़ है, और सदा सुहागन का पेड़ एक ये लगा रखा है, एक ये पॉपुलर है, ये सैतूस लगा रखा है सैतूस। और गाइस, एक एरिया ये भी एक नीम का पेड़ है। तो गाइस, हमने सारे अपने चक्रवर्ती के बराबर में इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, बहुत सारे, जो प्राकृतिक को बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं लगभग ही पेड़। देखो ये भी कल्या का आ रहा है पेड़, ये भी अच्छा पेड़ हो रहा है। ये वाला भी शीशम का बढ़िया पेड़ हो रहा है। ये नीम के हो रहे हैं बड़े बड़े, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं गाइस, बहुत बड़े बड़े, बहुत मस्त। तो गाइस, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं यार ये लोग, और इतने बुरे हैं ये लोग, बहुत बुरे हैं। इन्होंने पता सारे धानों का सत्यानाश कर रखा है यार, कसम से, तभी मूड ख़राब होता है। पता कौन है वो लोग? ये हैं यार, ये देखो सब घुसे पड़े हैं खेतों में। ये देखो किस तरीके से ये सब खेत का नाश कर रखा पूरा। ये बहन चो पकड़ बहन, देखो गाइस ये भागा, और ये आएंगे इधर, आएंगे दो तीन अगे आएंगे। भाई साहब सब नाश मार रखा है इन्होंने पूरे खेत पे। एक ही आगा, ये घुसा पड़ा है इनसे, देखो ये आस। देखो गाइस, ये सब धान खा लेते हैं, ये बढ़ने देते बिल्कुल भी। और एक ये देखो इधर को जा रहे हैं, ये इधर को निकलेंगे, इधर को जंगल ही जंगल है। एक ये जा रही यार, भाई साहब बहुत ज़्यादा गाइस, ये धानों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं यार। ये सारी फसल खा लेते हैं ये ऊपर ऊपर से, फिर नीचे से गोब आती नहीं है, ऊपर ऊपर की उसकी कल्ली कल्ली खा लेते हैं, उससे नुकसान हो जाता है, ऊपर को बढ़ते नहीं है वो, तो धान खराब होते हैं, ऐसे भगाने पड़ते हैं। देखो इधर बहुत सारे पड़े, देखो इधर आएंगे मेरे पीछे, ये आएंगे, और एक ये आएगा। ऐसे दो चार रोज़ भगाने पड़ते हैं गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें भगाने के लिए खेत में से, बहुत नुकसान करते हैं ये गाइस। ये धान है हमारे खेत के, ये धान ऐसे हो रहे हैं, इसमें घास ज़्यादा है, और यहाँ पे हम पैप डाल देते हैं बोरिंग का, जो पानी आता है, जिससे इतना सारा इसमें गड्ढा हो गया गाइस, देखो कितना सारा गड्ढा हो गया। और ये यहाँ पे हमने इतने सारे हमारे जो पॉपुलर हैं वो भी हमारे पेड़ हैं, तो वहाँ तक हमारा खेत है, ठीक है। इतने सारे हमारे ये धान लगा रखे हैं हमने, लगभग बहुत बढ़िया धान हो रहे हैं। तो गाइस, ये हमारे खेत हैं, देखो वहाँ तक वो पॉपुलर जो हैं, जो पॉपुलर सामने दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे खेत हैं, और ये चारों तरफ हमारा पूरा खेत ही खेत है चारों तरफ। ये हमारे खेत है गाइस सारा, ये हमारे खेतों पे देखो धान निकले आए हैं हल्के हल्के, ये धान निकले आए हैं, और ये हल्के हल्के इसमें बाल आ गई है निकल के, कहीं कहीं आए कहीं कहीं नहीं आए, यहाँ जैसे कि यहाँ नहीं निकले, यहाँ पर निकले आए ऐसा करके, यहाँ बिल्कुल नहीं निकले, आगे निकले आए वहाँ पर उस साइड में, तो कहीं कहीं धान निकल के आए कहीं कहीं नहीं निकल के आए। तो वैसे मस्त हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मस्त हो रहे हैं, एक दो पानी और लगेंगे बिल्कुल मस्त हो। ये देख रहे हैं ये कहीं कहीं निकले हैं कहीं कहीं नहीं निकले हैं, ऐसे सारे सब जब सब तरीके से धान निकले आएंगे ना बहुत बड़े बड़े, तो बहुत मस्त लगेंगे, बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि बहुत सारे धान निकले आएंगे, चावल भी हमें मिलेंगे खाने को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मस्त एकदम बढ़िया हो रहे हैं धान एकदम मस्त गजब। तो गाइस, ये हमारे खेत का बिल्कुल लास्ट है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल लास्ट होता है खेत का, हमारे खेत के लास्ट में यहाँ पर भी हमने जो है लिप्टिस कह रहा हूँ गाइस, लिप्टिस लगा रखे हैं ये सफ़ेदे, और यहाँ पे भी पॉपुलर हैं, और आगे भी यहाँ पे हमारे पीछे भी जो है ना इस साइड में भी पॉपुलर हैं, ये भी हमारे पेड़ हैं, ये हमारा खेत का जो लास्ट है, ठीक है, ये भी पॉपुलर लगा रखे हैं। उधर जो साइड जो दिख रहा है सबसे लास्ट में, वो भी एक सफ़ेदे का पेड़ लगा रखा है। ये हमारे धान हैं बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो रहे हैं धान, पेड़ भी मस्त हो रहे हैं एकदम। बस एक बात का डर है यार, वो नुकसान करते हैं बस, जो वो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए होना चाहिए, तो
तो थोड़ा बहुत यहाँ से ही हर थोड़ा थोड़ा सब खेतों में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हमारे खेत में से भी खाते हैं। नुकसान तो खैर करते ही हैं वो, लेकिन क्या करें, बस कुछ कह नहीं सकते। गॉयज देखो सामने सूरज कितना मस्त लग रहा है, एकदम मस्त। सूरज भी छिपने को जा रहा है, शाम का समय हो गया है, सूरज भी छिप रहा है। उधर देखो सामने वो सूरज ही है जो हमारे खेतों की तरफ से इधर की तरफ छिपता है, वो सूरज सामने देखो। गाइस मैं जूम करता हूँ, ये देखो सूरज है, सूरज है इधर। आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लॉग को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। अगर मस्त लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं ही ऐसे ही ब्लॉग अपने इस चैनल पर डालता ही रहूँगा, 2 दिन में 3 दिन में ऐसे इस तरीके से ब्लॉग डालता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।